हेलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने वीडियो में जो कि हमारा रिलेटेड है व्हाट इज ड्रामा आज का टॉपिक व्हाट इज ड्रामा ड्रामा से हम लेंगे इसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा हमारा ड्रामा आप किस से समझते हो आप ड्रामा का जो मतलब होता है हम सभी जानते हैं दैट इज मीन टू बी फॉर्म ठीक है जो परफॉर्मेंस के बेस्ड होती है चीजें जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं प्लॉट होती है सेटिंग्स होती हैं एंड साथ ही साथ कुछ उसमें ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको स्टोरी के वे में बताया जाता है एंड ऑल्सो उनको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना पड़ता है विद द कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कोई जो आर्टिस्ट uh, होता है उसका रोल प्ले करता है और वो उस स्टोरी को एंड तक लेके चलता है एंड इट हैज अ सम काइंड्स ऑफ ड्रामा जो कि कुछ हैप्पी एंडिंग के साथ में एंड होते हैं और कुछ ऐसे ड्रामा होते हैं जिनकी एंडिंग जो होती है वो ट्रेजिक होती है तो आज हम सभी इस वीडियो में ड्रामा और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा आप सभी और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोस आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए वहां पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे आपके इंपोर्टेंट सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड तो चलिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ड्रामा की बात करेंगे व्हाट इज ड्रामा ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटेन फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस ये मतलब होता है ड्रामा का कि जिसका एक पर्पज होता है कि वो ऑडियंस जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ऑडियंस होती है, है उनके सामने परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीजें होती है उनको हम ड्रामा बोलते हैं ये एक टाइप ऑफ लिटरेचर है जो कि लिखा जाता है राइटिंग के फॉर्म में होता है एंड आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने रोल को कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए उस ड्रामा को परफॉर्म करते हैं आपने एलिजाबेथ नेरा में देखा होगा इवन आपने एलिजाबेथ नेरा के जो इम्पोर्टेंट ड्रामास लिखे गए हैं उससे पहले के जो इम्पोर्टेंट ड्रामास लिखे हैं दैट वॉज द टाइम ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ द ड्रामा अगर हम एलिजाबेथ नेरा की बात करें तो शेक्सपियर जॉन बैप्स्टर एवन uh, आप uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप क्रिस्टोफर uh, मार्डो के प्लेस को देखोगे ये क्या यूनिवर्सिटी बिट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने ड्रामा को बहुत अपलिफ्ट किया एंड इवन दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट एट टाइम एंड एलिजाबेथ नोन एज दोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड स्पेशली फॉर ड्रामा तो ड्रामा का मतलब हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड होगा इन फ्रंट ऑफ दस और इसका एक टाइप ऑफ लिटरेचर है

जो एम्यूजमेंट होता है उसके थ्रू एक सटायराइज किया जाता है सोसाइटी को कि जो भी प्रिवेलिंग करप्शन होते हैं या जो भी मिसहैपनिंग्स uh, हो रही हैं सोसाइटी में उसको सटैरिकल टोन में उसको डिस्कस करते, है, करते हैं उसको परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने और स्पेशली इसका जो एंडिंग होता है वो चेयरफुल होता है या हैप्पी एंडिंग होती है द मोटिव ऑफ दिस ड्रामेटिक वर्क इज अ ओवर अनप्लीजेंट सरकमस्टेंसेस व्हाई ठीक है एक जो इसका वर्क होता है ये जो ड्रामेटिक वर्क है जो कॉमिक प्लेज लिखे जाते हैं ड्रामाज लिखे जाते हैं उनका मेन मोटिव जो होता है वो एक ऐसे वर्क होते हैं जो की या आप कर लो ट्रिम्प ओवर अनप्लीजेंट सर्कमस्टांस जो भी अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं उन पे एक तरीके का ट्रिम्प ओवर करता है एक तरीके की उस अनप्लीजेंट सर्कमस्टांस को कवर अप करते हुए इसका जो एक कॉमिक इफेक्ट देता है और हमेशा इसकी जो एंडिंग होगी वो हैप्पी और सक्सेसफुल कंक्लूजन के साथ में इसको ड्रामा को एंड किया जाता है द पर्पज -पर ऑफ the purpose पर्पोज ऑफ कॉमेडी इज टू अम्यूज देंस एंड एग्जाम्पल्स अगर आप समझोगे तो शेक्सपियर का ड्रामाडिक कॉमिक प्ले है उन्होंने बहुत ज्यादा प्लेज लिखे हुए हैं 37 सेवन प्लेज जिसमें कॉमिक प्लेजिक्लेज एंड हिस्टोरिकल प्लेज भी उन्होंने लिखे हुए हैं बट द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द कॉमिक प्ले जो कि विलियम शेक्सपियर ने एलिजाबेथिन एरा में लिखा हुआ है तो कॉमेडी का मतलब इट हैज हैप्पी एंट्री एंड मेन मोटिव ऑफ द राइटर और द ड्रामेटिस्ट टू राइट इट दैट रिजल्टिंगी एंड सक्सेसफुल कंक्लूजन जिसमें लास्ट में होता है हीरो हीरोइन या जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनमें शॉर्ट आउट होती है जो भी प्रॉब्लम होती है और वो दोनों वो एक दूसरे से हैप्पीली मिलते हैं और जो भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करके वो एक हैप्पी एंडिंग देते हैं ड्रामा को तो यहाँ बात हमने कॉमेडी की आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बता दिया नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेजिडी की ट्रेजिडी इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रामा और ट्रेजिक प्लेस की बात करें तो आप विलियम शेक्सपियर को नहीं भूल सकते हो उन्होंने मोस्ट ऑफ दी ट्रेजिडीज जो लिखी हुई हैं वर्ल्ड की लिटरेचर की ब्रिटिश लिटरेचर की फोर बेस्ट ट्रेजिडीज एक, तो मतलब एक दुखान्त अंत होगा उसको हम ट्रेजिक ड्रामाज बोलते हैं या ट्रेजिडी बोलते हैं ट्रेजिडी जस्ट ऑपोजिट टू कॉमेडी एज ट्रेजिडी डील्स विद सॉरोड ट्रेजिक इवेंट इन स्टोरी थ्रू आउट आप देखोगे कहीं ना कहीं मर्डर कन्फ्लिक्शन होगा डेथ होंगी इंसैनिटी होगी एक तरीके का पेन होगा डिसअपॉइंटमेंट होगा पूरी आप स्टोरी में जो ड्रामा का प्लॉट होता है उसमें आप इन सब चीजों की भरमार देखोगे और इसका जो एंड होता है वो एक सौरोफुल सोरोफुल होगा और ट्रेजिक इवेंट्स के थ्रू इसका एंडिंग होता है मेन इंपॉर्टेंट होता है जो हीरो होता है जो प्रोटागनिस्ट होता है इसमें उसमें किसी न किसी तरीके का एक ट्रेजिक फ्लॉ होगा उसका एक फ्लॉज होते हैं जो कि खुद उसके डाउनफॉल का रीजन होता है ड्रामा में इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा इन विच द प्रोटागो और द हीरो इज ब्रॉट डाउन बाय हिज ओन फ्लॉज बाय हिज ओन फॉर्च्यून अपने जो उसके फॉर्च्यून होते हैं जो उसके डीड्स होते हैं जो उसकी कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर कही कही करेक्टर में जो कमियां होती हैं फ्लॉज होते हैं उसके थ्रू उसका खुद का एंड होता है आप देखोगे जैसे मैकबेथ में एक एम्बिशन है और ओथेलो में आप जो देखोगे हीरो बहुत जेलस होता है वो उसका जेलस कैरेक्टर होता है मैकबेथ में आपने देखा होगा मैकबेथ जो होता है बहुत ही होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अपने खुद के अंदर की जो फ्लॉज होते हैं वही उसके डाउनफॉल का रीजन होते हैं मीन्स उसके डेथ का या एंड का उसका रीजन होगा मैंने आपको मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो इसके ड्रामाज हैं ट्रेजिक प्लेज में जो काउंट होते हैं वो आपको मैंने बता दिया आप विलियम शेक्सपियर के प्लेज देखोगे क्रिस्टोफर मार्लोस के प्लेज आपने पढ़े होंगे दे ऑल रिलेटेड टू दी ओके तो आपने यहाँ पे कॉमिक प्लेस एंड ट्रेजिक प्लेस की बात कर ली आज हमने यहाँ पे जो बात करी वो टाइप्स ऑफ ड्रामा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेजिक कॉमिक ठीक है ट्रेजिक कॉमिक प्ले भी हमारा एक पार्ट है टाइप ऑफ ड्रामा है ये भी एक जॉनर है सब कैटेगरी में काउंट होता है ड्रामा के ट्रेजिक कॉमेडी जिसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं स्पेशली देखिए यहाँ पे बात हो रही है उस तरीके के स्पेशल ड्रामाज होते हैं जो कंबाइन करते हैं द फीचर ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी दैट्स वाई दीज टाइप्स ऑफ प्लेज वर कॉल ट्रेजिक कॉमिक प्लेज एंड ये जो प्लेज होते हैं ये शेक्सपियर के या एलिजाबेथन टाइम में भी बहुत ज्यादा प्लेस इस तरीके के लिखे गए हैं दिस मीन्स दैट सच प्लेज मे बी सैड बट विल हैव एन हैप्पी एंडिंग ठीक है जो प्लॉट होता है इस तरीके के प्लेस का जो ट्रेजिक कॉमिक प्लेस लिखे जाते हैं उनका जो प्लॉट होता है उनमें जो कहानी होती है जो एक कैरेक्टर अपने को प्ले करता है उसमें कुछ सैड इवेंट्स होते हैं मर्डर होगा कुछ डेथ होगा बट इसका जो एंड होता है वो हैप्पी होता है ठीक है ट्रेजिक कॉमिक प्ले वो होते हैं जिनमें जो आपके प्लॉट्स जो होंगे प्लॉट्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कुछ ऐसे जो इवेंट्स होते हैं दे हैव सम समुल या सैड इवेंट्स इट हैज बट It It has an happy ending at last. That's why these these plays plays plays. were regarded as, these plays are regarded as are and supposed to be be tragic comic plays. It may be serious but some immense elements of humor emerging throughout the whole play. किसी तरीके का इसमें सीरियस जो होते हैं इंसिडेंट्स होते हैं सीरियस प्लॉट होता है बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स बीच बीच में आपको मिलेंगे इस तरीके के प्लेस में जो किसी तरीके का एक आपका ह्यूमर या एक तरीके के आप इजीनेस आपको ड्रामा को प्रोवाइड करते हैं और जो ऑडियंस होता है उसके माइंड में एक तरीके का ह्यूमर या एक तरीके का इजीनेस एक तरीके की हैप्पी एंडिंग इसको देते हैं शेक्सपियर्स टेम्पेस इज अ फाइन एक्जाम्पल रिलेटेड टू दी ट्रेजिक कॉमिक प्ले क्योंकि टेम्पेस में आप देखोगे कि किस तरीके से क्रॉसपेरोनिश कर दिया जाता है उसके किंगडम से और लास्ट में वो किस तरीके से जो भी उसके एनिमीज होते हैं या उसका ब्रदर खुद होता है उसको वो किस तरीके से माफ करता है और एक बैरन आईलैंड पे वो जाते हैं वहाँ पे किस तरीके से लाइफ अपनी बेटी मेरेंडा के साथ में स्पेंड करते हैं फाउडी मिलता है उसकी बेटी को तो वो बीच के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो थोड़े ट्रेजिक सीरियस इंसिडेंट्स होते हैं बट एट लास्ट सभी को माफ कर देता है और वहां पे हैप्पीली वो फिर से अपना रेन स्टार्ट करता है फिर से अपने किंगडम पे राज करता है और उसी तरीके से इस प्ले को हम ट्रेजिक कॉमिक प्ले में काउंट करते हैं तो टेम्पल की बात की विलियम शेक्सपियर का प्ले टेम्पस जो है वो ट्रेजिक कॉमिक प्ले का फाइन एग्जाम्पल है नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलोड्रामा ठीक है मेलोड्रामा क्या होता है इसमें कुछ तरीके की मेलोडी म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा कुछ आपको ऐसे इमोशंस देखने को मिलेंगे कि आपके माइंड में या रीडर्स का जो ऑडियंस होता है उसके माइंड में एक तरीके का फीलिंग्स क्रिएट करते हैं ठीक है थीके? इस तरीके के प्लेस को मेलोड्रामा है यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे हीरो hero, हीरोइंस की स्टोरीज को देखने को मिलेगा लव स्टोरीज जिसमें होती हैं मेलोड्रामाज से रिलेटेड जो प्लेस होते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं वेल इट ओरिजिनली रिफर टू द दैट इंक्लूडेड द्रामाजूडेड म्यूजिक मेलोड्रामाज नाउ रेफर्स टू प्लेस दैट इंक्लूड हाईली इमोशंस सिचुएशन इमोशनल सिचुएशन इन ऑर्डर टू प्ले ऑन द फीलिंग्स ऑफ ऑडियंस ठीक है जो ऑडियंस होती है जो इस प्ले को वॉच कर रहे होते हैं इस तरीके के प्लेस को जो मोलोड में अकाउंट होते हैं वो एक हाई टाइप ऑफ इमोशंस सिचुएशन क्रिएट होते हैं इसके प्लॉट में इसके प्लॉट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि रीड ऑडियंस के माइंड में एक तरीके का इमोशनल सिचुएशन क्रिएट करता है सो दैट दे कैन कनेक्ट विद दी

ंग ड्रामा है स्टिल लाइफ ब्रीफ एनकाउर ठीक है कॉमेडी प्ले तो की बात की एंड साथ ही साथ ट्रेजिक प्लेस की बात की, 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 साथ की, की. चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा हम डिस्कस कर लेते हैं एंड हियर वी हैव प्रॉब्लम प्ले ठीक है प्रॉब्लम प्ले वो होते हैं जिसमें किसी ना किसी तरीके का एक हमारा प्रॉब्लम सोशल इश्यूज या सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हुए ड्रामा जो लिखे जाते हैं और ये नाइनटीन सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थे आप बात कर लो जॉन गार्ल्सवर्दी ने जितने भी प्लेज लिखे हुए हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम प्लेज एंड उनको हम प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में काउंट करते हैं जैसे आप जस्टिस की बात कर लो आप स्ट्राइफ की बात कर लो जॉन गार्ल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट के प्लेज हैं एंड प्रॉब्लम प्लेस की चलो डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल कुछ एक ब्रीफ एनालिसिस करके आपको बता दिया है ब्रीफ आपको इंट्रो कर दिया है चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम दिस काइंड ऑफ ड्रामा फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट एमर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी रियलिज्म आर्ट था मीन्स जो भी चीजें आपके आस पास सोसाइटी में जो भी आपके आस पास एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैपन हो रही है उसको रियलिज्म उसको आर्ट के थ्रू रियलिटी को

जो सोसाइटी का सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रेजेंट करते थे कैरेक्टर और इस तरीके के जो प्लेज होते थे वो सोशल इश्यूज के ऊपर एक तरीके का डिबेट हुआ करता था कैरेक्टर्स के बीच में ऑन द स्टेज एंड दैट्स व्हाई दे वर नोन एज द प्रॉब्लम प्लेज बिकॉज दे रिलेट टू द जनरल लाइफ ऑफ पीपल प्रॉब्लम प्लेस जनरली रिफर्स टू प्ले ऑफ आइडियाज दैट एक्सप्लोर्स कंटेम्प्री सोशल प्रॉब्लम मीन समकालीन जो उस टाइप के जिस टाइम में आप रह रहे होते हो उस टाइम के ड्रामेटिस जब या जो ड्रामेटिस हुआ करते थे जिस टाइम पे वो रहते थे जिस सोसाइटी को वो फेस करते थे जिस सोसाइटी में वो अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड करते थे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे उस लाइफ के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना और इसको प्रॉब्लम को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में एक

पोइटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम वर्ड्स ड्रामा या पोइटिक ड्रामा बोलते हैं जिसमें किसी तरीके की आपकी एक वर्ड्स uh, फॉर्म में या पोइटिक रिदमिक वे में जो लाइन्स लिखी जाती हैं जो लिखे जाते हैं उनको हम पोइटिक प्लेस बोलते हैं दी पोइटिक ड्रामाज आर डायलॉग रिटर्न इन वर्ड्स ठीक है जो ड्रामाज इनके डायलॉग जो होते थे वो रिदमिक पैटर्न में होते थे वर्ड्स में होते थे पोइटिक लाइन्स में एक होते थे इन इंग्लिश इट इज यूजली द ब्लैंक वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते थे एंड द चीफ एसोसिएटेड

एंड ऑल्सो क्रिस्टफर फ्राई बट येट की अगर प्लेस की बात करें इनके पोयट्रिक प्लेस की बात करें तो मर्डर इन दैथेड्रल फैमिली कॉकटेल पार्टी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर प्लेस दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी दिस सब जॉनर दैट इज कॉल्ड पोइट्रिक प्ले एंड ही बोल्ड यूज ऑफ द ऑल डिज प्रॉपर टू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स ड्रामा एम्फेथेटिक मेलोडी

मेलोडीज ठीक है जो कन्वर्सेशन या जो डायलॉग्स होते थे कैरेक्टर्स के बीच में वो इस तरीके के मूविंग वर्ड्स में हुआ करते थे जिससे इनमें एक तरीके की म्यूजिकल मेलोडीज जो होती थी वो निकल के आती थी एंड जो ऑडियंस होते थे या जो लिस्नर्स होते थे इस तरीके के ड्रामा को जो पढ़ते थे रीडर्स होते थे दिस सपोज टू बी लिस्निंग टू अ वर्ड्स

आप सभी समझ चुके होंगे ड्रामा किसको बोलते हैं क्या होता है जो कि परफॉर्म होते हैं बिफोर द ऑडियंसेस इट हैज सम काइंड्स ऑफ एक्ट्स इट हैज सम काइंड्स ऑफ प्लॉट्स जो कि डायलॉग के फॉर्म्स में कैरेक्टर ये जो होते हैं वो अपने अपने पार्ट्स को प्ले करते हैं और उसमें एक तरीके का कन्फ्लिक्शन होता है एक तरीके की हैप्पी एंडिंग होती है कुछ मेलोडीज होते हैं कुछ सोशल इश्यूज को लिखता हुआ प्रेजेंट करता हुआ प्लीज लिखा जाता है और कुछ ऐसे प्लेज होते हैं जो कि कोर्टली लव अफेयर्स या रोमेंसेज को प्रेजेंट करते हुए उन्हें मेलो ड्रामा में काउंट करते हैं एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड जो भी मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा वो आपको समझ आ चुका होगा कोई इशू हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस